1990 के दौर में जब राम मंदिर आंदोलन के रथ पर सवार बीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन किया था, तब एक नारा चलता था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इसके बाद राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद कई सालों तक कोर्ट के चक्कर काटता रहा। इस दौरान विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर तंज कसती थीं। मंदिर वही बनाएंगे, बस तारीख नहीं बताएंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और यह तय हो गया कि राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने राम मंदिर बनकर तैयार होने की तारीख बता दी है। अमित शाह इन दिनों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के दौरे पर हैं। इसी क्रम में उन्होंने इम्फाल में एक जनसभा में कहा कि राहुल बाबा हमेशा कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। गृह मंत्री ने तारीख की घोषणा की तो विपक्षी भी हमलावर हो गए हैं। कभी बीजेपी के साथी रहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने गृह मंत्री के बयान पर क्या कहा, सुनिए। माननीय न्यायालय के फैसले के आलोक में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर 1 जनवरी 2024 को आम जनों को समर्पित होगा, ऐसा माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया, तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति सबका सम्मान है। हमारी उम्मीद यह भी है कि भूखे भजन न होई गोपाला, माननीय अमित शाह जी 2014 से लेकर के 2023 तक 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात थी, अगर उसका विधिवत तिथि भी आप घोषणा कर देते तो नौजवानों को सुकून मिलता, चैन मिलता और लोकतंत्र की आत्मा और मजबूत होती। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्षियों के हमले का बीजेपी नेता भी खुलकर जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्षियों को कुछ इस अंदाज में घेरा। कांग्रेस के लोग 2019 के पहले जब भी चुनाव आते थे तो बारंबार पूछते थे और कलंकित करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अगर आज आदरणीय अमित शाह जी तारीख बता रहे हैं तो राम जन्मभूमि पर, रामलला के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवाने का संकल्प लेने वाले कांग्रेस को तो पीड़ा होगी ही होगी, और कांग्रेस समेत सारे रामद्रोहियों की इस पीड़ा का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर 2024 में बनकर तैयार होगा, जिसका शिखर गगनचुंबी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राम मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा के बाद पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं कई सियासी जानकार इसे 2024 लोकसभा चुनाव में भी बड़े फैक्टर के तौर पर देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।